Anything else from 5-star food information from 5-star chefs. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else. बेसिक टॉपिक है मेरा यही है कि जो काफी ज्यादा लोग जानना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि दुबई में अभी सैलरी क्या चल रही है और जॉब का क्या सिचुएशन चल रहा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, दुबई में जो अभी सैलरी चल रहा है मैं आपको किचन हायरार्की के हिसाब से बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मुझे इतने सारे लोगों ने कॉमन क्वेश्चन पूछा है कि दुबई में क्या हम ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। डेफिनेटली आ सकते हैं गाइस, उसके लिए प्रोसेस डिग्री और डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, आपको अपने डायरेक्टर से मिलो, उनसे एनओसी लो और आप खुद से ट्राई कर सकते हो या फिर आप कॉलेज के थ्रू ट्राई कर सकते हो। इस इन ट्रेनिंग्स में आप डायरेक्टली अगर मुझे मैसेज कर रहे हो तो मैं आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा गाइस, सॉरी टू से। मैं आपको सिर्फ गाइडेंस कर रहा हूँ, आपको जॉब के लिए खुद ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, शेफ से कनेक्ट होना पड़ेगा तो ही आपको ट्रेनिंग के लिए किसी होटल में मिलेगा। बट यस, इट्स 100% चांसेस कि आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज किया तो आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, तो आपको डेफिनेटली आप दुबई में ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। पहला चीज, नाउ वी विल गो टू द रियल टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक था किचन का सैलरी क्या है। तो किचन में गाइस मैनेजर लेवल तक सैलरी बताऊंगा आपको। अगर आप ऑलरेडी मैनेजर लेवल पे हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होगा। सो आई कम टू स्ट्रेट टू द पॉइंट। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द किचन ट्रेनिंग। किचन ट्रेनिंग का क्या होता है गाइस, किचन ट्रेनिंग में आप डेफिनेटली दुबई में किचन ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको खुद से ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा या आपको आपका कॉलेज हेल्प करेगा। जैसे कि बहुत सारे इंडिया और नेपाल और श्रीलंका इन कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि डेफिनेटली इंडिया दुबई में ही ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, या सिंगापुर या मलेशिया। तो डिपेंड है आप कौन से कॉलेज से होटल मैनेजमेंट कर रहे हो। बहुत सारे होटल खुद से अब्रॉड में ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे ट्रेनी जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए हैं। सो गाइज, एक किचन ट्रेनिंग का जो सैलरी है दुबई में 700 से 1000 दिरहम के बीच में, यानी इंडियन रुपीस में 15,000 से 20,000 के आसपास ट्रेनिंग का सैलरी है यहाँ पे। प्लस अकोमोडेशन मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है अगर आप एक होटल में आ रहे हो तो। नाउ मूव ऑन, कौमी थर्ड 1300 से 1500 चल रहा है इंडियन रुपीस में, मोर ओर लेस इट्स लाइक 30,000 से 35,000 आप बोल सकते हो। ये बेसिक है, प्लस सर्विस चार्ज टिप्स एज आई सेड मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो भी रहता है। नाउ कॉमी टू का जो सैलरी चल रहा है गाइस, कॉमी टू का सैलरी है यहाँ पे अभी जो दुबई में मैक्सिमम 90% जो होटल्स में चल रहा है, मैं 90% होटल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि 10% होटल इससे कम हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं 90% जो होटल का जो रेशियो चल रहा है कॉमी टू के लिए सैलरी 1500 से 1600 AED, यानी 1500 से 1600 दिरहम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं हम तो 35,000 से 40,000 के बीच में कॉमी टू का यहाँ पे सैलरी है। उनका जो सैलरी चल रहा है इस कॉमी वन का सैलरी है 1600 से 1800, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 38,000 से 40,000 के बीच में कॉमी वन का सैलरी है। डेमी शेफ का जो सैलरी है 2200 से 2500 है, इंडियन रुपीज में होता है अराउंड 50,000। सेफ्टी पार्टी की अगर बात करें, सेफ्टी पार्टी का जो सैलरी चल रहा है मैंने जैसे कि बोला मैं 90% होटल्स के रिसर्च बेस पे बता रहा हूँ आपको। तो अभी जो सेफ्टी पार्टी का सैलरी चल रहा है वो 3,000 से ऊपर ही देते हैं, 3,000 के नीचे कोई भी नहीं देता, 3,000 से 4,000 के बीच में होता है। तो किसी को 3500 मिल जाता है, किसी को 3800 मिल जाता है, किसी को 4,000 सीट भी डेफिनेटली कमा ही लेता है। यहाँ पे अराउंड 80,000 होते हैं इंडियन रुपीज में, तो सीडीपी का जो सैलरी आप लगा लीजिए 80,000 के आसपास हो जाता है। अगर टिप्स और सर्विस चार्ज आ रहा है वो डेफिनेटली 1 लाख के आसपास हो जाता है। बात करेंगे असिस्टेंट शू शेफ का, तो असिस्टेंट शू शेफ का जो सैलरी यहाँ पे अभी दुबई के अंदर चल रहा है, दुबई यूए दुबई शारजा एंड अबू धाबी के अंदर जो चल रहा है वो है 4,500 से 5,000 दिरहम के बीच में। इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो अराउंड 96,000 to 97,000 के आसपास होता है, 96,000 से 98,000 एक असिस्टेंट शू शेफ कमा रहा है यहाँ पे। एंड गाइस विल मूव ऑन द शू शेफ। उसके बाद शू शेफ का जो सैलरी है 6,000 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, या फिर कहीं कहीं पे 5,500 भी चल रहा है, लेकिन मोर ऑर लेस 6,000 ही है। 90% होटल 6,000 ही पे कर रहा है शू शेफ को सर्विस चार्ज और टिप्स वगैरह मिला के। तो गाइस जैसे कि शू शेफ का यहाँ पे सैलरी है 1,00,000 से ऊपर है अभी रिसेंटली जो मैं बात कर रहा हूँ 2021 के अंदर। तो ये थी गाइस कुछ बेसिक सैलरीज, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जिसने भी मुझे मैसेज किए हैं वो इस हिसाब से अपना मैंने इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट करके बता लिया।
तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक गाइस। थैंक यू सो मच।